आज ये सुंदरी बनके जा आ रही हो तुम, ये इतना सारा ढाई किलो मेकअप जो तुमने अपने चेहरे पे लगा, आओ मुझे पकड़ लो। इतने पिंक पहने मेरे मस्टर्ड पहने यार, तो जश्न मनाया जाए। पाकिस्तान की जीडीपी नीता अंबानी पहन के चल रही है। इतना पैसा है कहाँ लेके जाओगे भाई, हमारा कर्जा ही तुरवा दो। अमीर आदमी देखा नहीं कि भिखारी की तरह भीख मांगना शुरू। कटोरा लेके ना ऐसे बोलो हमारा कर्जा उतरवा दो अंबानी जी। हंस दे चेहरे का मतलब ये नहीं होता कि उन्होंने कोई तकलीफ नहीं होती। लाइट चली गई देखो, ऐसा तो तुम्हारा मुल्क है और तुम कश्मीर लोगे। कब तक भीख मांग के तुम्हारा मुल्क चलेगा मुझे बताओ। हम भूखे कंगले इस वजह से हुए कि आज तो मजा आने वाला है। कब आ रही हो नेपाल? ऑडियंस को बताओ, ऑडियंस ये पहले तुम्हारी ऑडियंस को बताओ तुम कब आ रही हो नेपाल या इंडिया बताओ। मुझे परमिशन मिलेगी तो ना, हम लोगों ने यहाँ मैंने पासपोर्ट बनवा लिया। आई कैन शो यू माई पासपोर्ट, पीछे कबर्ड में पड़ा, लाइट आती है तो दिखाती हूँ। दिखाओ सबूत, दिखाओ हमको सबूत चाहिए। हमें भरोसा ही नहीं है पाकिस्तानियों पे, हमको पाकिस्तानियत पे भरोसा नहीं है। अभी दिखा रही हूँ, कितना भी क्या बेतबारा होना गाइस, ये रहा मेरा पास। कोई ठूक 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 ठूकता नहीं है पाकिस्तान के पासपोर्ट के ऊपर। तो आप भी अपनी शादी वहीं बुक करा लेना। आर यू कॉमेडी? देखो तुम्हारा कट्टर मुसलमान शाहरुख खान भी जय श्री राम बोल रहा है। एंड फॉर वेरी गुड मेजर जय श्री राम। जय श्री राम, जय श्री राम। पैसे के आगे सब बिकता है, सब बिकता है भाई, सब बिकता है। परफेक्ट, नॉकआउट कर दिया। पाकिस्तानी डांस सिर्फ मुजरों में होता है। ये क्या पढ़ लिया मैंने? इतना हेट क्या करेंगे। हेलो, अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते एंड सत श्री अकाल व्यूअर्स, मैं विश्नाज हूं। आप लोग देख रहे हैं मेरा और आपका यूट्यूब चैनल। आज हमें ज्वाइन किया है बहुत ही ज्यादा आप लोगों की डिमांड के ऊपर एक दफा फिर से एज के एच आर बंटी। जय श्री राम आपके सभी ऑडियंस को। बंटी जी क्या हाल चाल है आपके और कैसे जा रहा है सब कुछ? सब कुछ बढ़िया, सब कुछ बढ़िया। हाल चाल है आपके? आप बताइए आपके क्या हाल चाल है, आपकी ऑडियंस के क्या हाल चाल है? मेरी ऑडियंस भी एकदम ठीक है, मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। मैं एक इवेंट पे जाने के लिए तैयार हुई थी, छुट्टी थी। अभी लोग मुझे कहने लग जाएंगे तितली लग रही हो, दुल्हन बन के बैठी हुई हो, शादी का प्लान है। कौन है, क्यों? अच्छा, आज का हमारा टॉपिक है नरेंद्र मोदी जी को लेके। मैं जानता हूँ। और इसी तरह वो अब कश्मीर में भी पहुंचे हैं और आने वाले रमजान में मुसलमानों के लिए बहुत सी फैसिलिटीज दी हैं, जबकि पाकिस्तान में अगर बात की जाए रमजान सर पे है तो चीजों की कीमत डबल होती जा रही है। इन सब चीजों पर बात करेंगे। पहले आप मुझे ये बताएं, कल मैंने जब आपको कॉल की थी तो आप मुझे कह रहे थे कि आप पूजा करने गए हुए हैं, कहां इतना ज्यादा? खाटू श्याम जी, खाटू श्याम जी मेले में गए थे, प्रसादी बांटने गए थे लोगों को। ओके यार, इतना ज्यादा प्रसाद चढ़ता है ये आप लोगों के मंदिरों में और ये सारी जगहों पे, तो वहाँ तो गरीब गुरबत होगी। नहीं, मंदिर की तरफ से नहीं था, हमारी तरफ से था, हमारे YouTube फैमिली की तरफ से। हम अपनी तरफ से जितना श्रद्धा होता है उतना, जो भगत होते हैं ना जो पैदल जाते हैं खाटू श्याम जी के लिए 100-200-300 किलोमीटर दूर के लिए मंदिर तक, जो पैदल रास्ता तय करते हैं, हम उन पैदल यात्रियों को अपनी तरफ से जो भी कुछ प्रसाद देना चाहते हैं हम अपनी तरफ से देते हैं, मंदिर की तरफ से नहीं होता ये। ओके। तो वहाँ पे कोई भी जो लोग होते हैं या घूम रहे होते हैं ऐसा कुछ भी, उन लोगों को फैसिलिटेट कर रहे होते हैं आप लोग? हाँ, हम लोग वो पैदल चल रहे होते, नेचुरल सी बात है, अगर आदमी धूप में पैदल चलेगा तो उसको भूख भी लगेगी, उसको प्यास भी लगेगी, तो उन लोगों की सेवा करते हैं हम लोग। सेवा बोलते हैं इसको, सेवा करना। अब ये पाकिस्तानियों में तो ये भावना ही नहीं है, तो ये तो सनातनियों में भावना पाई जाती है। तुम तो एक दूसरे का छीन के और खा जाओ। बोला बेटा तू क्यों खा रहा है, लाओ मुझे दे दो। वो छीनने वाला किस्सा भी रमजान शुरू हो रहा है ना, तो आप देखिएगा कुछ जगहों पे तो है सिनेरियो के एक प्लेट बिरयानी के लिए मारा मारी हो जाती है पाकिस्तान के अंदर, लेकिन वहाँ नहीं होता, बड़े आराम से इज्जत से लेते हैं, बल्कि मना और करते वक्त खिलाने वाले बहुत सारे होते हैं। अच्छा बंटी जी, एक और बात मुझे बताएं, नरेंद्र मोदी जी ने जो कश्मीर के लिए स्टेप्स लिए, कश्मीर के लिए जो डिसीजन लिए, दूसरे जाने पाकिस्तान के कश्मीर में 1000 से ज्यादा लोगों को अनएम्प्लॉय कर दिया गया, यानी उनके हाथों से उनकी नौकरियां छीन ली गई, उनको उनके इदारों से जो है ना बेदखल कर दिया गया। दोनों तरफा कश्मीर के ये सिनेरियोस चल रहे हैं, एक तरफ हमें जंग करनी है, एक तरफ हमारे पॉलिटिशियंस ने आते ही कश्मीर के नारे लगाना शुरू कर दिया है, और दूसरी जानब वही कश्मीरी है जो खुश है कि यार हमारे लिए डिफरेंट स्टेप्स दिए जा रहे हैं, हम आने वाले वक्त में तरक्की कर रहे हैं। किस तरह देखते हैं आप, कश्मीर विजिट करके आए हैं क्या?
वैसे ना आप ये सवाल मुझसे गलत पूछ रही है, ये सवाल मुझे आपसे पूछना चाहिए था कि हमारे कश्मीर को इतना डेवलप देख के आप पाकिस्तानियों का क्या रिएक्शन है, आपको क्या फील होता है? तुम तो उल्टा मुझसे ही पूछ रही हो, तो ये तो मैं क्या जवाब दूंगा, मैं तो अच्छा ही दूंगा और अच्छा दिख ही रहा है, लेकिन तुम बताओ कि तुम पाकिस्तानी, तुम्हारा जो मुआशरा है वो क्या फील कर रहा है, कितना जेलस फील कर रहा है, वो बताओ तुम दो रिएक्शन मुझे बल्कि इंटरव्यू। हम बिल्कुल जेलस फील नहीं कर रहे, इनफैक्ट हमें तो खुशी हो रही है कि कश्मीर। क्यों नहीं जेलस फील हो रहा तुम्हारे? अब जहां मोदी जी ने 1000 नौकरियां देने का वादा किया, तुम खुद बता रही हो पीओके के अंदर पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर में 1000 लोगों की नौकरियां चली गई है कल के दिन, तो आप बताओ ना तो फिर कि आप लोग ऐसा क्यों कर रहे हो? मैंने तो ऑलरेडी कहा है कि मुझे ये बुरा लग रहा है, मैं इसको कंडेम कर रही हूँ, लेकिन मुझे ऑन अदर हैंड साइड जो कश्मीर के लोगों के लिए उन्होंने 75 साल पहले से वहां रहने का डिसीजन लिया था और उनके लिए आज जो चीजें हो रही हैं उनके लिए मुझे अच्छा लग रहा है, उनके लिए प्राउड फील हो रहा है कि रहने का फैसला किया था वो तो थे ही हिंदुस्तान में, वो थे ही हिंदुस्तानी। जो तुमने जो जिन्ना साहब ने हमला करके जो पकड़ा था पीओके 1948 में, वो कब्जा किया हुआ है, वो तुम्हारा नहीं है, वो जिसको तुम कर रहे हो कि नहीं तुम्हारे साथ रहने का फैसला किया था वो हमारे ही है कश्मीरी। ओके, और जो तुम्हारे पास मुझे, में मुझे बताए वो भी लेने। मैंने बड़ी दफा बंटी जी, बड़ी दफा इंडियन जर्नलिस्ट ने मुझे कहा फलां दिसंबर तक हम कश्मीर ले लेंगे, फलां तक हम लाहौर नाम लगवा लेंगे, हम इस्लामाबाद तक आ जाएंगे, गिलगित है ही हमारा, अभी तक कश्मीर लिया क्यों नहीं? ये दावे तो तुम ठोकते हो, हमारे कौन से पत्रकार ने दावे ठोक दिए और लाइट चली गई, देखो ऐसा तो तुम्हारा मुल्क है और तुम कश्मीर लोग है, मतलब तुम हमसे कश्मीर लोग है, अबे तुम्हारे लाइटें तो आए नहीं और इनको चाहिए कश्मीर। गाइस सॉरी हमारी लाइट चली गई। देख लो कितने लोग देख रहे हैं अभी तुमको, मुझे 350 लोग देख रहे हैं, 350 लोगों देख लो, मेरे ख्याल से ऑलमोस्ट हिंदुस्तानी है। देख लो भाई ये हरकतें इन लोगों की, इनके पास में लाइटें नहीं है और ये बातें करते हैं कश्मीर लेने की। नहीं नहीं यार, इलेक्ट्रिसिटी का ऐसे ही ऐसे अरेंज होगा बस तुम्हारा कश्मीर भी। इलेक्ट्रिसिटी का बहुत हद तक हमारे यहाँ इशू रिजोल्व हो गया था, लेकिन जब से हमारी नई हुकूमत आई है तब से हम दोबारा उन मसलों में घिर गए। कांग्रेचुलेशन, बहुत बहुत बधाई यार, नई सरकार के लिए भी और आपके मसलों के लिए भी, नए मसलों के लिए। तभी तो हमारे को कॉन्टेंट मिलता रहेगा मनोरंजन। हाँ मैं कश्मीर गया हूँ, मैं 3 बार गया हूँ। क्या सिनेरियोस वहाँ पे हैं? कश्मीर के सिनेरियो बहुत अच्छे हैं, सब लोग खुशहाल है, और पहले थोड़ी बहुत थी उधमदाड़ वहाँ पर, और अब काफी हद तक कंट्रोल में है, और जो थोड़ी छुटमुट होती रहती है खबरें तो वो पाकिस्तानियों का मसाला भी तो चाहिए ना, तो पाकिस्तानी शांत थोड़े ना रहते हैं, जो अपनी तरफ से जितनी कोशिश हो सकते हैं करवाते हैं, भारत सरकार भारतीय जो आर्मी है वो उनको रोकने की कोशिश करती है, और बहुत हद तक कंट्रोल हो गया है, और ये जो शांति है कश्मीर की, तुम पाकिस्तानियों को अंदर से खलबली पैदा कर रही है कि कश्मीर इतना चमन क्यों हो रहा है, क्यों इतना डेवलप हो रहा है। अच्छा मेरा एक सवाल है, वो मैंने एक दिन पॉडकास्ट में नाजिया जी से भी पूछा था कि कुछ साल पहले, आज से बल्कि 20 साल पहले जब नरेंद्र मोदी जी ने अपना स्टार्टअप किया था, टेन्योर स्टार्ट किया था, तो गुजरात के अंदर उनको वाकई बहुत पॉजिटिव इमेज नहीं था उनका। कहा जाता था कि गुजरात में उन्होंने बहुत कत्लो गारत की जब वो हुकूमत में आए, और बहुत सारी लाशें गिरी, बहुत सिखों पर जुल्म हुआ। आज वही नरेंद्र मोदी जी गुजरात के लिए इतना कुछ कर रहे हैं, तो क्या वो ये तुमको किसने बोल दिया? मेरे को, मैं तुम्हारे सवाल समझ गया, लेकिन मुझे ये बताओ कि तुमको ये हिस्ट्री कहाँ से पढ़ते हो, कहाँ से नॉलेज गेन करके आते हो, बिल्कुल आधी अधूरी कच्ची, मतलब बेसिर बे पैर की ये इन्फॉर्मेशन तुम्हें मिलती कहाँ से, पहले मुझे ये बताओ, तुम्हारा सोर्स बताओ। हमारा सोर्स हमारी किताबें, हमारा सोशल मीडिया, हमारे उनको ना सब जगह जमा करो, उनपे मिट्टी का तेल डाल के आग लगा दो उनपे। हाँ ये कर लो पहले, और थोड़ा गूगल कर लिया करो, थोड़ा इंटरनेशनल खबरें भी पढ़ लिया करो। नरेंद्र मोदी जी गुजरात के सीएम थे, अगर तुम्हें पता हो तो, 12 या 14 साल रहे, मुझे कंफर्म पता नहीं कि कितने साल रहे, 12 या 14 साल। मुझे बस आप ये बताएं कि नरेंद्र मोदी जी गुजरात में हमेशा क्या पॉजिटिव इमेज से ही जाने जाते थे? बिल्कुल, अगर एक बात बताओ, अगर पॉजिटिव इमेज नहीं होगी तो वो बंदा तीसरी बार सीएम बन के आएगा कंटिन्यू, और जो 2 बार लगातार देश का प्रधानमंत्री बन चुका है 10 साल से, तो आप भी देख रहे होंगे नरेंद्र मोदी जी को, सीएम थे जब तक तो चलो आप लोगों तक खबर नहीं पहुंचती थी, कांग्रेस जब देश में रूल करती थी तो दंगे तो हुआ ही करते थे उस जमाने में, तो बहुत हुआ करते थे, अब तो बहुत कंट्रोल हो गए, और अगर कोई दंगा हो जाए तो जो अपोजिशन थी उस वक्त की कांग्रेस गुजरात के अंदर, उन्होंने सारा इल्जाम मोदी जी पे डाल दिया, धीरे धीरे उसको बड़ा करते गए करते गए, नहीं तो हिंदुस्तान की सुप्रीम कोर्ट ने मोदी को बरी कर दिया है, तो ये बोलने का अधिकार तो अब किसी को है नहीं कि मोदी जी ने कत्लो गैरत कराया, और आप पाकिस्तानियों को तो बस प्रोपेगेंडा करना है, कुछ भी करते रहो, लेकिन हम बैठे ना, हम देश के सच्चे सिपाही हैं, हम तुम्हारे प्रोपेगेंडा की काट करेंगे, तुम पाकिस्तान
हिंदुस्तानियों का भांडा फोड़ करेंगे, जहाँ भी तुम जहालत दिखाओगे हम तुम्हें जलील करेंगे। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, हम मोदी जी की खुद बहुत बड़े फैन है, हम खुद इतना ज्यादा जो है ना सराहते हैं उनकी उनके इनिशिएटिव्स को, हम खुद हर वीडियो हर दूसरे दिन कुछ ना जो भी वो अच्छा करें उस पे वीडियो करते हैं। ऐसा बिल्कुल नहीं है कि हमें कुछ अगेंस्ट है या मतलब गलत फहमी, जैसे अभी आपने जो सोर्स बताया अपना तो वो बिल्कुल गलत है। और मेरे बोलने ये तो मैं जानता हूँ मेरे जैसे कम से कम 20-25-30% लोग, 5 लोग भी जानते होंगे कि मोदी क्या है, लेकिन बहुत सारे लोग इनोसेंट लोग हमारे हिंदुस्तान में आज भी ऐसे हैं, इनको ज्यादा पता नहीं होता, वो कई बातों में यकीन कर लेते हैं, व्हाट्सएप पे कुछ भी आ जाता है यकीन कर लेते हैं, फेसबुक पोस्ट पे यकीन कर लेते हैं। अभी जैसे आपने कह दिया तो आप पे भी ट्रस्ट करने वाले कुछ एक दो इनोसेंट लोग होंगे जो सुन के मान ले क्या पता है ये लड़की पाकिस्तान की पत्रकार बोल रही है, इतनी अच्छी सुंदर लड़की बोल रही है, तो मोदी जी ने जरूर कुछ किया होगा। देखो सुनिए मेरी बात, मैंने सवाल ही इसलिए किया है कि बहुत से लोग, बहुत से पाकिस्तानी मुझसे क्वेश्चन करते हैं। ये तो चलो ठीक है, आप नहीं, आप मोदी जी के लिए नहीं बोलते, लेकिन आपके पाकिस्तान में 99% लोग यही बोलते हैं मोदी जी के बारे में, चाहे पाकिस्तान की आवाम हो चाहे पाकिस्तान की मेन स्ट्रीम मीडिया हो। तो मैं यही बता रहा हूँ, एग्री ना, यूट्यूबर नहीं बोलते क्योंकि यूट्यूबरों को भैया व्यूवरशिप चाहिए, इंडिया से डॉलर चाहिए डॉलर, तो वही इंडिया की मोदी जी की बुराई क्यों करेंगे, नहीं तो क्या। ऐसा नहीं है आवाम भी ना, इंडिया कितनी बेवकूफ है ना पाकिस्तान कितनी बेवकूफ है, उनको पता है कि सही क्या चल रहा है गलत क्या चल रहा है। वो तो अच्छा है, थोड़ा बहुत तो, थोड़ी बहुत तो मिक्सिंग चलती है। अच्छा मुझे एक बार देखना जरा, मिर्च मसाला लगा के ऑडियंस भड़का रहे हैं। नहीं 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 गाइस, आप लोगों ने बंटी जी की बातों में बिल्कुल यकीन नहीं करना है, ये कुछ भी बोलते हैं। अच्छा मुझे एक बात बताएं, आप कल जहाँ गए हुए थे, क्या आप लोगों के मंदिरों में इस तरह के सेशंस या इस तरह की जो आप लोग वेलफेयर के लो या लोगों के लिए फंडिंग जो करते हैं, चैरिटी करते हैं, वो हर हफ्ते हर महीने या हर मंदिर में इस हद तक आती है, तो उसमें आपकी गवर्नमेंट का क्या रोल होता है? गवर्नमेंट का कोई रोल नहीं होता, हमारे यहाँ लोग भक्त को मतलब भगवानों में मंदिरों के अंदर दान दक्षिणा करते हैं अपनी श्रद्धा के अनुरूप। और मैं मंदिर नहीं गया था, मैं मंदिर मतलब जो मंदिर जा रहे थे ना भगवान, आप अभी तक शायद मेरे ख्याल से समझ नहीं कि मतलब कोई 100 किलोमीटर से पैदल जा रहा, जो लोग जा रहे थे आप उनको फेवर और जो हाँ जो आप जो डोनेशन की बात कर रहे हैं वो हमारा इंडिविजुअली था, हमारी जेब से था, हमारा पर्सनल था, हमारी श्रद्धा के अनुसार हमने जितना खर्चा कर सकते थे हम करके आ गए, हम वैसे करके आए। कुछ लोग बड़े पैमानों पे करते हैं, कुछ छोटे पैमाने पे करते हैं, क्योंकि मैं अकेला ही हूँ खर्चा करने वाला, तो मैं अपनी जेब से जितना बन सकता था मैं करके आ गया। और मेरे जैसे बहुत सारे लोग हैं ऐसा करते। पंडित जी मेरा सवाल ये था, गवर्नमेंट का रोल पूछने का मकसद ये था कि जैसे बहुत सा ज्ञान चढ़ता है, बहुत सी जो है ना आप लोग अपने मंदिरों में जाके वो जो चढ़ाते हैं उसमें कोई परसेंटेज आपकी गवर्नमेंट की भी होती है या वो सारा उन मंदिरों में ही रहता है और उसी की एस्टेब्लिशमेंट? हाँ कुछ परसेंटेज, देखो मेरे को इसके बारे में पूरा पक्का पता नहीं है, लेकिन जैसे अभी थोड़े दिन पहले कर्नाटक सरकार ने मंदिरों में जितना भी डोनेशन आता उसका 10% लेने के लिए कहा राज्य सरकार ने कि भाई हमें 10% चाहिए कर्नाटक गवर्नमेंट ने। तो ऐसे और बड़े बड़े मंदिरों में कैसे क्या चलता है हिसाब किताब मुझे उसका बिल्कुल आइडिया नहीं है, लेकिन मैं इतना जरूर बोल सकता हूँ कि मंदिरों में दान दक्षिणा बहुत ज्यादा करते हैं भक्त, अपने श्रद्धा के अनुसार जितना हो सकता है उतना चढ़ावा दिखाते हैं, क्योंकि सब भगवान का दिया हुआ है। अगर भगवान अगर हमको भगवान देता है तो हम उसमें से कुछ परसेंट अगर भगवान को दियाते हैं तो कोई गलत नहीं है। और दूसरा कुछ लोग ऐसे भी होते हैं, कई व्यापारी ऐसे होते हैं, बिजनेसमैन ऐसे होते हैं कि भगवान को अपना पार्टनर बना के रखे होते हैं, जितना भी प्रॉफिट होता है उसका 10%, 5%, 20% भगवान को चढ़ा के आते हैं, और उसके बाद वो पैसे का क्या करते हैं इसके बारे में मुझे ज्यादा नॉलेज नहीं है और मैंने कभी इसमें इंटरेस्ट लिया भी नहीं, लेकिन नेक्स्ट टाइम अगर आप जानना चाहेंगे तो मैं आपको पता करके बता दूंगा। चलिए ठीक है। सो बंटी जी एक और लेटेस्ट और बहुत ज्यादा ट्रेंड पे चलने वाली खबर को हम डिस्कस करते हैं, आपको पहले मेरे खबरें छोड़ो, ये सारे सारा दिन खबरों की बातें होती रहती, पहले मुझे बताओ आज ये सुंदरी बनके जा कहाँ रही हो तुम, ये इतना सारा ढाई किलो मेकअप जो तुमने अपने चेहरे पे लगाया है, ये लगा के क्या मतलब हिंदुस्तानियों पे हुस्न के जलवे दिखाना चाह रही हो, क्या पाकिस्तानियों पे बिजलियां गिराना चाह रही हो, करना क्या चाह रही हो पहले मुझे ये बताओ। मैंने ना ही तो इतना ज्यादा मेकअप लगाया है, वो लाइट की वजह से मुझे करीब आके बोलना पड़ रहा है ताकि मैं नजर आऊंगा, पीछे हो जाऊंगी तो दिख नहीं रही हूँ, इस वजह से मैं करीब आके बोल रही हूँ तो ऐसा लग रहा है इतना ज्यादा नहीं लगाया, वो वैसी मेरी स्किन ग्लोइंग है। दूसरी बात मैं आपसे ये पूछने वाली थी यार, इतना पैसा आप लोगों के पास, एक अंबानी फैमिली ने शादी पे इतना लगा दिया, नीता अंबानी ने जो साड़ी पहन रखी थी, लोगों ने मीम्स बनाए हुए थे पाकिस्तान की जीडीपी नीता अंबानी पहन के चल रही है। जी जी बिल्कुल बिल्कुल। इतना पैसा है कहाँ लेके जाओगे भाई, हमारा कर्जा ही उतरवा दो। कटोरा लेके ना ऐसे बोलो, हमारा कर्जा उतरवा दो अंबानी जी, मीम्स बनाओ वीडियोस बनाओ, कटोरे दोनों हाथ में पकड़ लेना। हमारे हाथ दो हैं लेकिन कटोरे हम लोगों ने तीन तीन पकड़ लिए, हर बंदे ने तीन तीन कटोरे पकड़ लिए।
फिर मोदी जी अंबानी जी हो सकता है तुम्हारा कोई वीडियो देख ले और सोचे कि चलो भाई पाकिस्तानियों के कटोरे में कुछ डाल दो, लेकिन शर्त यह है कि जितने भी पाकिस्तानी यूट्यूबर है, पाकिस्तानी मीडिया है, चाहे प्रिंट मीडिया है, सब अपनी फोटो या जो भी वीडियो बनाए हाथ में कटोरा लेके, तो हो सकता है अंबानी जी का दिल पिघल जाए और पाकिस्तानी को कर्जा माफ कर दे, मतलब इतना पैसा दे दे। ऐसी भी बात नहीं, ज्यादा अंडरएस्टिमेट। लेकिन एक बात बताओ तुम इतने मतलब इतने भूखे नंगे कंगले हुए क्यों? पहले उस वजह को पकड़ो और अपने मुल्क को सुधार करो तो ज्यादा अच्छा रहेगा। लोगों से वजह पता है हमें, क्योंकि हमारे कभी चाइना की तरफ देखते हो, कभी सऊदी अरब की देखते हो, कभी यूएई की तरफ देखते हो, कोई 1 बिलियन दे देगा, कोई 4 बिलियन दे देगा, कब तक भीख मांग के तुम्हारा मुल्क चलेगा, मुझे बताओ। हम भूखे कंगले इस वजह से हुए क्योंकि पिछले 75 साल से हमें कोई लॉयल इंसान नहीं मिला, अपने मुल्क के साथ सच्चा बंदा नहीं मिला इस वजह से। भूखे और कंगले है ना, मान गए ना तुम भूखे कंगले हो, लाइट भी नहीं यार है कंगले, पूरी दुनिया जानती है, क्या करें फिर, मैं कंगली नहीं हूँ। अच्छा ये गरीब मुल्क की अमीर कौम है? गरीब मुल्क की अमीर कौम है? नहीं, तुम्हारे पाकिस्तान में अमीर भी है लेकिन वो कुछ परसेंटेज है, जैसे मैंने तुम्हारा DHA देखा है, तुम्हारे वो बेरिया टाउन जैसे लोग देखे, वहां पे हर घर करीब 2-3-4 करोड़ से कम तो कोई घर ही नहीं है, 20 करोड़ का 25 करोड़ का घर, और बेरिया टाउन में अगर कोई घुस जाए तो आदमी बोल नहीं सकता है कि ये पाकिस्तान है, क्योंकि पाकिस्तान के हालात अलग। बहरिया टाउन, पाकिस्तान में जितने भी बहरिया टाउन है, पाकिस्तान के अंदर भी है ना, पाकिस्तान में दो पाकिस्तान बसते हैं, एक गरीबों का पाकिस्तान, एक अमीरों का पाकिस्तान। और जो मैं जब मैंने बेरिया टाउन और DHA जो भी है आपके वो जब देखे ना मैंने, तो मैं तो हैरान हो गया, मुझे यकीन ही नहीं हुआ पाकिस्तान में इतनी अच्छी रोड, इतना अच्छा डेवलपमेंट, इतने अच्छे अच्छे मॉल और सब कुछ सिस्टम से बना हुआ उसके वहां पर, मतलब हैरान हो गया मैं तो। तो ये है तुम्हारे पाकिस्तान का हाल, और तुम भी मुझे लगता है DHA या बेरिया टाउन में कहीं रहती होगी अमीरों के मोहल्ले में। आवाज ही नहीं आ रही, पहले तो लाइट गई अब आवाज भी चली। नहीं नहीं अभी मेकअप का ताना मारा है, अब अगर मैं ये बता दूंगी ना मैं रहती का हूँ तो बस फिर ऑडियंस समेत आप सब मुझे जलील करेंगे, इसलिए मैं नहीं बता रही। ठीक है, मत बताओ अपना पर्सनल रखो मुझे, लेकिन ये तो बताओ तुम हर बार वीडियो में आती हो, मुझे लेके आती हो, मुझे कहती हो कि मैं नेपाल आऊंगी, ये तुम्हारा वादा भी पाकिस्तानी सरकार की तरह वादा है क्या? हर बार झूठा फेल, कब आ रही हो नेपाल? ऑडियंस को बताओ, ऑडियंस ये पहले तुम्हारी ऑडियंस को बताओ तुम कब आ रही हो नेपाल या इंडिया, बताओ। मुझे परमिशन मिलेगी तो ना, हम लोगों ने यहाँ मैंने पासपोर्ट बनवा लिया, आई कैन शो यू माय पासपोर्ट, पीछे कबर्ड में पड़ा, लाइट आती है तो दिखाती हूँ। दिखाओ सबूत, दिखाओ हमको सबूत चाहिए, हमें भरोसा ही नहीं है पाकिस्तानियों पे, हमको पाकिस्तानियत पे भरोसा नहीं है। अभी दिखा रही हूँ, अभी एक सेकंड रुको, अभी पासपोर्ट अपना भी दिखा रही हूँ, कितना भी क्या बेएतबार होना गाइस, ये रहा मेरा पासपोर्ट। वाह, ये अरे पासपोर्ट की तो इज्जत ही नहीं है, तो ऊपर से नीचे से चौथे नंबर पे रेटिंग चल रही है इस पासपोर्ट की तो। ये रहा मेरा पासपोर्ट, अब खबरदार, इसी पासपोर्ट पे तो तुम्हारे PM को US में नंगा कर दिया जाता है, और इस पासपोर्ट को लेके तुम खुश हो रही हो, इतरा रही हो। तो मैंने तुम्हारा मेरा प्रोसेस चल रहा है, मतलब मैंने प्रोसेस के लिए वो किया हुआ है, लेकिन आपको पता है पाकिस्तानी गवर्नमेंट अलाउ करेगी तो ही आ सकेगा ना कोई। पाकिस्तानी गवर्नमेंट क्यों, हिंदुस्तानी गवर्नमेंट अलाउ करेगी तो ही आ सकोगी, पाकिस्तान गवर्नमेंट ने तो अलाउ कर रखा है। हम नहीं डरने वाले तुम्हारे इससे नहीं डरने वाले हम, भूत बंगले में बैठ गए। अच्छा मैं आपसे अंबानी फैमिली का पूछ रही थी, मुझे बताएं कि क्या नहीं, अगर भूत 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 नहीं अगर इतनी सुंदर हो तो भी चलेगी, कोई दिक्कत नहीं है। मुझे बस ये बताएं इतना पैसा अंबानी फैमिली ने क्यों उड़ाया है अपनी शादी पे? अरे अंबानी फैमिली ने उड़ाया भाई, उनका पैसा, उनके बाप का पैसा वो उड़ाए, खूब उड़ाए, मेरे को तो कोई दिक्कत ही नहीं होती भाई, जिसका पैसा है वो अपनी मर्जी में खर्च करे, मैं तो कहता हूँ उससे 4 गुना ज्यादा खर्चा करे, पूरी दुनिया में हिंदुस्तान की रईसी भी तो दुनिया को दिखनी चाहिए ना, तो मेरे को तो कोई तकलीफ नहीं। पता नहीं क्यों पाकिस्तानियों को, वामपंथियों को, कांग्रेसियों को पेट में दर्द हो रहा है भाई, अगले ने पैसा उसके बाप ने कमाया, वो कमा रहा है, हिंदुस्तान का सबसे अमीर आदमी है, दुनिया का 3rd-4th नंबर का अमीर आदमी है, अगर वो अपने बच्चों की शादी में पैसे नहीं उड़ाएगा तो अपनी छाती पे बांध के लेके जाएगा ऊपर पैसों को, अपने शौक तो पूरे करेगा, बल्कि मैं तो कहता हूँ कि जो हिंदुस्तान में और भी अमीर है, कोई मुकेश अंबानी के बाद में और भी तो अमीर है, मैं तो चाहता हूँ हिंदुस्तान अगर जैसे वो कर सकते हैं, उन्होंने गरीबों को खाना खिलाया, पूरे गांव वालों को खाना खिलाया, वो कोई नहीं बता रहा, अमीर पैसा उड़ाया, वो कितना दान पुण्य करते हैं, कितने चैरिटी ट्रस्ट चलाते हैं, वो आज तक कोई नहीं बताता है, वो गरीबों के लिए कितना मेहनत, कितना मतलब डोनेट करते हैं, वो कोई नहीं बताता, उनकी साड़ी देखो,
उनका नेकलेस देखो कितना पैसा उड़ा दिया, रिबाना क्या नाम है उसको, इतना पैसा दे दिया, स्टारों को बुलाया। अरे भाई तुम वो साइड क्यों देख रहे हो? और अगले ने कमाया, उसके बाप का पैसा है, उसका पैसा है, एक नंबर का पैसा है, वो कितना है उड़ाया, वो आग लगाया मिट्टी का तेल डाल के। पाकिस्तानियों को, वामपंथियों को, कांग्रेसियों को क्यों जलन होती है, क्यों जलन होती है मुझे बताओ। यार जलन की बात नहीं है, लेकिन देखो ना एक मुल्क साथ बेचारा आटे हाथों मजबूर है, उसके पास खाने को पैसे नहीं है। तुम्हारे कर्म खोटे हैं, तुम निकम्मे हो, तुम हराम खोर हो, तुम काम करना नहीं चाहते हो, तो इसके अंदर है ना किसी की कोई गलती नहीं है। अब देखो तुम्हारा परमाणु बम बनाने वाला, मेरी बात सुनो, तुमको सबसे पहले परमाणु बम जिसने बना के दिया उसको भी तुमने जेल में बंद कर दिया, तो कौन पाकिस्तान के लिए काम करेगा? एटम बम तुमको जिसने बनाया था, क्या नाम था उनका, जो अहमदी थे, और उनको जेल में बंद कर दिया गया, लास्ट में उन पे आरोप लगा दिया कि ये तो टेक्नोलॉजी बेच रहे हैं, क्या इज्जत की तुमने उनकी? टैलेंट की इज्जत नहीं है ना, देखो इसीलिए तो मेरी इज्जत नहीं कर रहे पाकिस्तानी। हेल्पिंग टीवी की जानिब से कमेंट है, अंबानी जी की सिर्फ 3 दिन की कमाई है वो जो उन्होंने शादी छोड़ाई है, और नहीं तो क्या। मैं इतना पैसा है उनके पास में, उनके कोई वो, मैं यही तो मैंने अपने वीडियो में भी ये कहा था, अगर वो ऐसी 10-12 शादियां और भी कर देना तो उनको, वो एक देसी लैंग्वेज में बोलू, उनको घंटा फर्क नहीं पड़ता। वो ऐसी ऐसी शादियां पूरे महीने करते रहे ना, उनको कोई फर्क नहीं पड़ता, वो पूरे विश्व में घुमा घुमा के शादी करे ना, ऐसी हर जगह की प्राइम लोकेशन लेके भी, तब भी कोई फर्क नहीं पड़ता, इतना पैसा है बंदे के पास। तो आप भी अपनी शादी वहीं बुक करा लेना। मेरे पास पे पैसा हो तो मैं तो जरूर कराऊंगा, लेकिन मैं ना तो मुझे शादी करनी, ना मेरे को, मेरे पास पैसा है नहीं। नहीं अंबानी जी को बोले ना आपकी शादी बुक करा दे। अरे वो क्यों करवाएंगे, ऐसे तो फिर हिंदुस्तान में 125 करोड़ लोग है, सबके सब पहुंच जाएंगे लाइन लगा के भाई अंबानी जी हमारी भी शादी कराओ, हमारी कराओ। ऐसे थोड़ी ना होता, पिज्जा का एक डायलॉग है यहाँ पे, हलवा है क्या, हलवा हलवा पकाओ, हलवा हलवा पकाओ। मुझे एक बात बताए, तमाम जो है ना सेलिब्रिटीज, तमाम स्टार्स, उनकी शादी में सबने शिरकत की, नरेंद्र मोदी जी क्यों नहीं आए? नरेंद्र मोदी जी शादी में आएंगे? ये प्री वेडिंग थी, अभी कोई शादी थोड़ी ना थी, तुम तो शादी मतलब बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाना हो रहे हो, तुम तो होश गवा दिया, तुम लोगों ने तो साड़ियों में, ज्वेलरी में और गेस्टों को देख देख के, देखो तुम्हारा कट्टर मुसलमान शाहरुख खान भी जय श्री राम बोल रहा है, पैसे के आगे सब बिकता है, सब बिकता है भाई, सब बिकता है, जय श्री राम के नारे लगा रहा है, वहां नाच रहा है, और सलमान खान जो मतलब अपने आप को सुपर स्टार समझता है उसको पीछे नचवा रहे, बताओ अनंत अंबानी के और लड़कियां मरे जा रही है, सलमान खान सलमान खान, तो भाई पैसा है पैसे के। और अभी एक एक वीडियो और देखा था मैंने, जिसमें वो सगाई में नाच रहे हैं, मुकेश अंबानी का एक और बेटा है, तो वहां पे शाहरुख खान को वो नाचने की कोशिश कर रहा है फैमिली के बीच में, शाहरुख खान को हाथ से धक्का दे के पीछे कर दिया उसने, तो ये तो इज्जत है स्टारों की, मतलब पैसे के आगे ना कुछ भी नहीं है, कोई स्टार नहीं है, ये स्टार है हमारे, मेरे लिए तो खास तौर से, देखो जिनके लिए वो स्टार होंगे शाहरुख खान सलमान खान आमिर खान होंगे, मेरे लिए असली स्टार है जो शरद पे गोली लेके खड़ा हुआ है बंदूक के साथ में, और पाकिस्तानी की नापाक पाकिस्तानियों को जो ठोकता है, मेरे लिए वो स्टार है, वो सुपर स्टार है। 1800 आज तो कह रही थी 300 लोग देख रहे हैं, यहाँ तो 1800 देख रहे हैं, मतलब यहाँ नहीं, नहीं, नहीं। प्रोपेगेंडा यार, जब आपने पूछा था तब वाकई 350 लोग थे, अब से आधे 15 मिनट पहले की बात है। अच्छा अच्छा फिर ठीक है, चलो माफ किया। अच्छा आप आपके ना दिमाग में कीड़ा है कि हम झूठी बोलेंगे, ऐसा नहीं होता हर दफा, कभी कभी क्योंकि तुमने ना, तुमने पाकिस्तानियों ने पाकिस्तान का जो माइंड सेट है ना, उसने हमेशा हिंदुस्तान को धोखा दिया, पीठ में खंजर घोंपा, तो मुझे तो पाकिस्तानियों पे ट्रस्ट नहीं होता, अगर ये रोएंगे भी ना, रोएंगे इतने बड़े बड़े टब भर देंगे रो रो के, तब भी मुझे लगेगा ड्रामा ही कर रहे हैं, तो मुझे पाकिस्तानियों पे भरोसा ही नहीं है। कोई कह रहे हैं यहाँ पे, अभी कोई कह रहा था अगर मैं विश इंडिया में होती तो बॉलीवुड में होती, यस ऑफ कोर्स, अगर मैं इंडिया में होती तो मैं बॉलीवुड में होती। हाँ बिल्कुल, अरे तुम इंडिया में अगर आ भी गई गलती से, मैं तुम्हें बता रहा हूँ तुम्हारा इंटरव्यू ले लेके तुम्हें वैसे फेमस बना देंगे मीडिया वाले, रातों रात स्टार बन जाओगी तुम, पाकिस्तान में कुया रखा हुआ है, तुम पता नहीं कहाँ फंसी हुई हो, जाहिलों के बीच में, जिहादियों के बीच में, और तुम्हारे तुम्हारे ये मस्जिदों के पैसे से क्या चलते हैं, मदरसे जिसमें बनाए जाते हैं आतंकी, अब तुम देखो कितना फर्क है एक सनातन में और एक इस्लाम में। यार हर रिलीजन की अपनी बेस है, हर रिलीजन के लोगों ने ना, स्पेशली अब तो मैं कहूँ वाकई नो डाउट आई अग्री के मुसलमानों ने अपने रिलीजन का इमेज बहुत खराब कर लिया हुआ। जी 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 चलो शुक्र है, एक तो सुधरी कम से कम, एक देश सर्वोपरि है मेरे लिए, ऐसी हजारों मेविश कुर्बान देश देश के लिए। तो गाइस बंटी ने डिस ऑन, लाइट आ गई, गाइस बंटी ने डिस ऑन कर दिया, अब क्या किया जाए, ये मेरी दोस्त है और हम लोग आज वुमेन्स डे सेलिब्रेट करने जा रहे हैं। ओहो वेरी गुड, आपको बहुत बहुत सारी बधाई है वुमेन्स डे की। थैंक यू थैंक यू। वो लेकिन वो आयात लिखी हुई, जो अरबी लिखी हुई ड्रेस पहन के मत जाना, लेकिन
नहीं तो बहुत लफड़ा हो जाएगा। इसने पिंक पहने, मैंने मस्टर्ड पहने। दिल्ली में डेरी, काशी में गेरी, अपने दोस्तों को बोल रहे पिंक वाली मेरी। अब ये तो ऑडियंस बताएगी, मेरे को तो सभी अच्छा लगता है। नंबर एक का कबीना बंडी जी ने देखी, कब स्क्रीनशॉट ले लेगी। ओके जी, अच्छा मुझे बताएं इसके अलावा और क्या चल रहा है, क्या कह रहे हैं आजकल पाकिस्तानी डांस सिर्फ मुजरों में होता है। ये क्या पढ़ लिया मैंने, इतना हेट क्या करेंगे। नहीं एक्चुअली पता है वो क्यों बोले होंगे, मैं बताऊँ ना, वो जो तुमने झुमके पहने हुए ना ऐसे झुमके, या मतलब जैसे लखनऊ में दिल्ली में जो पुराने समय में जो तबाइफे होती थी ना, वो इतने बड़े झुमके डाला करती थी। देखो उनमें जो तबाइब डांस करती थी, रक्स करती थी, मतलब ये नहीं कि गलत तरीके से डांस कर रहे, उनके इतने बड़े बड़े झुमके होते थे यार। अच्छे नहीं लग रहे क्या, बुरे लग रहे हैं? बहुत बढ़िया लग रहे हैं, बहुत बढ़िया लग रहे हैं। वो तो भाई साहब ने कमेंट किया, मैंने तुमने कहा ना कि हम ऐसे लग रहे हैं क्या, पाकिस्तान के लोग इतने। आपको मेल का दिवस, वुमेन्स डे। अच्छा जी, मंदिर जाके मेविश बजाएगी बंटी की घंटी। ये पसंद आया मेरे को, तो ये कमेंट अच्छा पसंद आया। बंटी है जिसके कमेंट्स, हाँ ये बंटी है जिसको लेके कमेंट्स आते हैं, भाभी भाभी की ये है वो बंटी। इसके हर पोस्ट के नीचे एक कमेंट होता है, भाभी भाभी बंटी की दुल्हन। दैट्स देख लो आप, ये हल्ला मचा रखा है इस लड़की ने हमारे हिंदुस्तान के अंदर। अस्तगफिरुल्लाह, नहीं नहीं नहीं, मैंने नहीं बचा रखा, ये ऑडियंस तो खुद ही अज्यूम की है, मैंने कुछ भी नहीं किया। अच्छा गाइस, अब हम लोग निकलते हैं, हम लोग एक इवेंट पे जा रहे हैं, लेट हो रहे हैं, और बंटी का बहुत ज्यादा हमने टाइम वेस्ट कर दिया है। थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज़। थैंक यू सो मच व्यूअर्स फॉर वाचिंग, थैंक यू सो मच बंटी जी आपने टाइम। नेपाल में, नेपाल इसको ना, नेपाल आओ ना आप, तो इनको भी साथ लेके आना। अच्छा नेपाल चलोगी साथ? हां वहाँ क्या करने जाना है यार, वहाँ इंडियन से मिलने, इन सब ऑडियंस से मिलने जाना है। डन। चलो जी, हम जब भी नेपाल आएंगे ना, हम सबसे मिलेंगे और मैं बता के आऊंगी, ऑलरेडी वो लगा के शाउट आउट्स और वीडियो सब कुछ लगा के आऊंगी। बस कब जा रहे, कल जा रहे हैं? दरवाजा खोलो, नेपाल थोड़ी आ जाते हैं। केरी कल जा रहे हैं? नहीं, मैं तो इतने टाइम से कोशिश कर रही हूँ, लेकिन अच्छा इस इन्होंने कई लोगों ने ना मुझे वीडियो से देखा, वो कहते हैं ये लड़की चौधरी है, इसके एंसेस्टर्स पता नहीं क्या क्या लिखा हुआ है, देखो एक बार। हाँ ये एक मिनट, ये लड़की चौधरी है, इसके एंसेस्टर्स हिंदू हैं। अच्छा हाँ, एंसेस्टर्स तो भाई हम सबके ही वहां थे। बैरल, थैंक यू सो मच व्यूअर्स फॉर वाचिंग, थैंक यू सो मच बंटी जी फॉर योर टाइम। चौधरी तो हिंदुओं में होता है, मुसलमानों में तो होता ही नहीं है, वो तो कन्वर्टेड है ना, तो सर बाप देखो, जो अमर हो, अकबर हो, एंथोनी हो, बाप रामलाल, ये सबका। बंटी जी पहले आप सॉरी बोले, आपने इतना जलील किया आज मुझे पॉडकास्ट में, ऑडियंस के सामने सॉरी बोले, जलील हुई। हाँ इतना इतना मजाक उड़ाया मेरा, किसी भी बात मेरा तो काम, देखो देखिए बुरा मानने की जरूरत नहीं, मेरा तो काम ही पाकिस्तानियों का मजाक उड़ाना, मेरा तो धंधा ही यही है, मेरा तो बिजनेस ही यही है। चलो कोई बात नहीं, जाओ। और मैं पाकिस्तानियों को इंटरव्यू देता भी नहीं हूँ, लेकिन ये महविश मेरे को चार दिन से मेरे पीछे लगी हुई है, बंटी जी आज करे, अभी करे, मैं रेडी बैठी हूँ, फिर ये मतलब इमोशनल अत्याचार करके इंटरव्यू ले लेती है, नहीं तो मैं इंटरव्यू करता ही नहीं हूँ किसी। अच्छा यार थैंक यू सो मच, वो जितना मैं इंसिस्ट करती हूँ ना, उतना बदला निकाल लेते हो इंटरव्यू में आके मेरे। तभी तो वो सारी बड़ा निकाल लेता हूँ लाइफ के अंदर आगे की, मेरे मन में जो जो है सब बोल देता हूँ। कितनी सेल्फ ले रहे हो, जय श्री राम आपकी सभी ऑडियंस को, बाय बाय, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग, बाय बाय, टाटा, टेक केयर ऑफ योरसेल्फ, सी यू सून, नेक्स्ट टाइम बंटी के चैनल पे मिलेंगे लाइव में, ओके? हां बिल्कुल बिल्कुल, और बहुत सारी सुपर चैट भी ये पाकिस्तान से करवाएगी मुझे। डन डन डन, पाकिस्तान से इंडिया से कराऊंगी, हमारे पास पैसे नहीं होते। सबको बता दे, सच बता दे, इनको पता है पहले से। बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाना। खैर पूरा वीडियो आपने देख लिया, वीडियो देखने के बाद आपके क्या विचार है कमेंट सेक्शन आप ही का है, आप लोग अपना ख्याल रखिए, आपका भाई आपके लिए पाकिस्तान से रिलेटेड वीडियो लाता रहता है। जय हिंद, वंदे मातरम, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम।